हेलो गाइस लड़की में बहनचारा दिखता है, लड़कों में भाईचारा। मैं तेरी आँखों में रहता हूँ। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। गाइस, आज हम जा रहे सैलून में हेयर कलर करने एंड हेयर कट करने। वहाँ पे जितना भी जो भी मस्ती होता मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सो मेरे वीडियो के साथ एंड तक बने रहेगा। लेट्स गो गाइस। एक अंदर की बात बाहर निकालू? नहीं नहीं नहीं, मत निकाल, सबको मालूम पड़ जाएगा तेरे पास एक ही है। गाइस सच बताना नहीं। सबके पास एक ही, तू सच बता, तेरे पास एक ही है। सच बताना है, सबके पास एक ही होता है, राइट? चलो ठीक है, वो अंदर की बातें नहीं, वो तो मजाक वाली बातें। अभी हम काफी टाइम से अपने आप को देख रहे थे मिरर में, जब भी जाते अपने आप को देख रहे, मिरर से यही, इतनी बड़ा कैमरे में देख रहे, यही सोच रहे कि यार अपने लुक में थोड़ा कमियां नजर आ रही है। तो आज हम लोगों ने काफी टाइम तक बैठे बातें करे तो हम लोग को ऐसा फील हुआ कि अपने बालों पे, अपने लुक पे एक्सपेरिमेंट करें या फेस पे या कुछ भी। तो दोनों ने डिसाइड किया तो हम लोग अभी आए हैं बालों का एक्सपेरिमेंट करने, कुछ नया लुक करने, क्योंकि काफी टाइम से एक ही लुक में देखो तो यार मजा भी नहीं आता। जैसे एक ही लड़की में मजा नहीं आता, वैसे ही वो जानबूझकर काले जगह पे बैठा है जिसमें वो काला दिखे, ऐसे तो वो बहुत हैंडसम है, इसलिए अंदर की बात बता नहीं रहा, क्योंकि इंडियन के अंदर की बात काले काले होते हैं। बट कभी लाइक बालों का एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया, बट आज करने वाले है। आप देखते रहिए, आपको मजा आएगा। एंड लुक खतरनाक होगा, सच बता रहा हूँ। एंड लुक आप जब देखोगे ना, मजा आएगा। गाइज मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगा, देख सकते हो आप अच्छे से पढ़ लो, ये एक फैमिली सलून है, जो भी अहमदाबाद निकुल साइड में रहता है वो यहाँ पे आ सकता है। ये सेक्शन बॉयज़ का है और दिखाता हूँ, ये सेक्शन गर्ल्स का है। ये ऐसा सलून है जहाँ हम लोग रेगुलर आते, जिस किसी को भी हेयर कट करना हो या कुछ भी करना हो तो यहाँ पे जरूर आइए। मैं एक नमूना दिखाना चाहता हूँ, मतलब अतरंगी इंसान। लेट्स गो। हेलो गाइस, आज तो मैं हैंडसम बनने आया हूँ। शर्मा गए शर्मा नहीं गए, हैंडसम बनने आए हुए हम आज। अब देखते हैं अभी कितना हैंडसम करते हैं भाई। ये जो है, जो भी करने वाले ये भाई करने वाले, पे डिपेंड है भाई, कुछ बोलो तुम ही करने वाले हो। अच्छा भी बनाओ, हैंडसम बन के बनाने वाले हो, बुरा भी बनाने वाले हो, जो भी है तुम ही बनाने वाले हो, बोल दो कुछ। ए अभी न्यूज चैनल नहीं चल रही कि मैं हैंडसम बन पाऊंगा। गाइस अगर मैं हैंडसम बन नहीं पाया तो यहाँ पे आके इनको। गाइस जैसे हम लोगों ने सलून में एंटर किया, भैया ने कॉफी का ऑफर किया और अब कॉफी का ऑफर मिल रहा है तो कौन मना कर सकता है। नॉर्मली कोई गर्ल्स हमें कॉफी का ऑफर नहीं करते, लेकिन इस भाई ने किया, सो बहुत अच्छा लगा। अब कॉफी के लिए मना तो नहीं कर सकते, तो अब हम लोग कॉफी पी ले। देखो हमें तो आज मालूम पड़ा कि लड़की के अलावा लड़के भी कॉफी का ऑफर करते हैं। क्या बोले आप? हमें तो आज पता चला, हाँ, कि सिर्फ लड़की ही नहीं लड़के भी कॉफी ऑफर करते हैं। ये बात तो सही है, लड़के भी अच्छे लोग हैं भाई, और नॉट ओनली लड़कियां अच्छी, लड़के भी अच्छे होते हैं। इसमें फर्क क्या है कि जब लड़की को हम ऑफर करते हैं कॉफी के लिए तो उनका सेंस अलग होता है सोचने का, हाँ, और हम जब लड़के एक लड़के को ऑफर करें तो उसमें हम लोग का भाईचारा दिखता है और उसमें बहनचारा। लड़के में बहनचारा दिखता है और लड़कों में भाईचारा, डिफरेंस है ना, मानते हो ना। भाईचारे में और बहनचारे में क्या डिफरेंस है? जैसे कि हमने अभी कहा कि अगर लड़की को हम कॉफी का ऑफर करते हैं तो कुछ अलग ही वे में सोचते हो, और हम लड़के हो के अगर लड़के को ऑफर करें तो भाईचारा दिखता है और वो बहनचारा। अब ये बहन बोलने में कितना है ही ऐसा, मतलब समझ सकता हूँ आप बोल नहीं पा रहे हो। बहन चारा आप उस लेवल में मत जाना, नहीं आप चले जाओ। बहन चारा और भाईचारा कितना मस्त वर्ड है, बोलो भाईचारा और बहन चारा। आप जो भी कर रहे हो ना अच्छा कर रहे हो, सोचो उसमें कितना अच्छा करोगे।
डटी मैन, मैं तो हेयर कट की बात कर रहा था, तुम कुछ और जगह पहुंच गए। भैया ये आपने पहले सिल्वर फूल लगाया, ये क्या है फिर, ये कलर है क्या? अच्छा अच्छा, मेरा भी ऐसे ही होगा ना। हाँ डिट्टो चाहिए, हाँ तो वो तो करने के बाद ही मालूम पड़ेगा ना लाल हुआ कि कैसा हुआ करके। गाइज उनका तो हो गया, अब मेरा नंबर, ये हो गया है मेरा कवर बालों में। और भैया सुनो, ऐसा करना ऐसा करना, सारी लड़कियां सारी की सारी लड़कियां मुझको किसिया करके चली जाए, यू नो। शादी तुमने पूरा बॉक्स मंगाया तब का पड़ा होगा, कलर कर रहा हूँ, इसकी कलर है ना, यही तो है जो है देने लायक, पूरी लायक होने लायक। इसको कितना मिनट रखेंगे? इसको 35 मिनट रखेंगे। गाइस अब मेरा हेयर वॉश होने जा रहा है, मस्त होने वाला है कलर, ये मजा आने वाला है। और यहाँ पे भी गाइस, यहाँ पे भी करूँ क्या कलर? ना यार एकदम चीप लगेगा, एकदम छपरी छपरी लुक में चला जाएगा। क्या बोलते हो भाई, सही बात, सही सही बोला ना, छपरी लुक में चला जाएगा। हाँ दाढ़ी में नहीं करना यार, भगवान ने दिया हुआ सब कुछ है, शोहरत है, दौलत है, क्या और क्या बोलते, डायलॉग ही भूल गया, भगवान का दिया हुआ सब कुछ और दौलत है, शोहरत है, औरत है, औरत है ना, बताओ औरत कहाँ है गाइस? अगर औरत दिया है तो बताओ, बताना पड़ेगा। अरे औरत भगवान ने दिया है, औरत बनाना पड़ता है। बात तो एकदम करेक्ट बोला, औरत बनाना पड़ता है, देते नहीं है भगवान। इनको डायरेक्टली वो कलर आ गया, डायरेक्ट आ गया, डायरेक्टली आ गया। गाइस देख सकते हो, फाइनली गाइस मेरा डन, हो गया ना खतरनाक। गाइस देखो अभी और एक्सपेरिमेंट बाकी है, फाइनल लुक आया नहीं है, और फाइनल लुक आना बाकी है। वाओ गाइस पहले कॉफी अब ये पानी पूरी, रगड़ा वाला पानी पूरी, आय हाय हाय हाय, ये सारी चीजें खिला रहे हो तो फिर यार मैं तो रोज आना चाहूंगा, फ्री का किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है, सही बोला ना गाइस? गाइस पानी पूरी किसका किसका फेवरेट है कमेंट में बताओ। एक्चुअली मुझे रगड़ा वाला तो पसंद नहीं है, बट इट्स ओके, भूख लगी है और इतने प्यार से लेके आए तो खाने में मजा आएगा। इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है, मैं तो रोज आऊंगा, रोज आके बैठ जाऊंगा, खा पी के घर पे निकल जाऊंगा। गाइस हमें इतना मजा आ रहा है ना सीरियसली, अभी टाइम कितना हुआ, 11 बज के बाहर, क्योंकि हम लोग यहीं पे हैं। रीजन बहुत खतरनाक सिंगर है, खतरनाक मतलब गाइज, अभी तक हम हैंडसम बन नहीं पाए, एक्चुअली मैं तो बन गया, देखो हेयर कट भी हो गया, कलर भी हो गया। अभी जो बापू है उनका अभी तक एक बार उनका हेयर कलर हो गया था, बट उनको मज़ा नहीं आया, तो उन्होंने फिर से नया ट्राई करा, तो वो करते करते कितना हो गया, 12:30 बज गए रात के, तो अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। हम लोग गए मैकडी से बर्गर लेके आए, दो वेज वाले वो एक चिकन वाला, सो देखो खा रहे अभी हम लोग। फाइनली गाइस बालों में कलर आ चुका है, जैसा चाहिए था वैसा आ चुका है, अब हेयर ड्रायर कर रहे, उसके बाद हेयर स्टाइल बनाएंगे।
क्या बोलते हो, हेयर स्टाइल बनाओगे ना इसके बाद? हेयर स्टाइल बनानी पड़ेगी भाई, लुक नहीं अच्छा दिखेगा, हैंडसम नहीं बन पाओगे आप। जिसको भी हैंडसम बनना है तो आ जाओ, हैंडसम बना देंगे। सो गाइज फाइनली ये बोल हो चुका है। सो गाइज फाइनली हम लोग हैंडसम हो गए, काफी देर हो चुका, काफी देर लग गया हमें हैंडसम होने में, बिकॉज हम लोग 7 बजे से आए थे, अभी टाइम हो गया 1:20 हो गया, इन्होंने देर कर दिया हमें और हमने उनको देर कर दिया। कोई बात नहीं, फिर भी हम यहाँ पर बोर नहीं हुए, ये हमारे भाई, इन्होंने हमको काफी कॉफी भी ऑफर की, बहुत सारी चीजें कर चुके। सो गाइस फाइनली तोड़ फोड़ दिया मैंने सब कुछ। थैंक यू सो मच भैया, आपने हमें हैंडसम बना दिया, फिर मिलेंगे बहुत जल्द मिलेंगे। अब हम जा रहे घर पे, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड बाय।